अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई इक्विटी मार्केट और उससे जुड़ी खबरों की, अब देख लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट में आज क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक्शन बना हुआ है। जॉब रिपोर्ट के आंकड़े आए यूएस में और उसका भी कुछ असर यहाँ पर कमोडिटी मार्केट में देखने को मिला, और आज ओपेक प्लस की बैठक भी है तो वहाँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा कमोडिटी मार्केट के लिए, कच्चे तेल में की चाल आगे तय हो सकती है। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुंवरजी ग्रुप से फोन लाइन के जरिए रवि द्योरा इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच इसी नाम स्वदेश को समय देने के लिए। पहले तो कच्चे तेल की में आप रणनीति शेयर करिए, वहाँ पर क्या करना चाहिए, काफ़ी अहम बैठक होगी, इसको आप कैसे देख रहे हैं और आगे की चाल आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्रूड में? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज फोकस पॉइंट क्रूड पे ही रहेगा क्योंकि यूएस मार्केट बंद है, तो पर्टिकुलर ये जो ओपेक प्लस की जो बैठक है वो काफी इवेंट हो जाते हैं। साथ में वीकेंड में न्यूज भी निकल के आए कि ओपेक प्लस जो उन्होंने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज किया था जब हायर प्राइस थे, तो शायद प्लस अपना जो इंक्रीज था प्रोडक्शन का वो फ्रीज कर सकते हैं, तो ये एक सबसे बड़ा न्यूज है। इससे सप्लाई की कटौती की एक मार्केट में अभी एक्सपेक्टेशन है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आई थिंक क्रूड के प्राइसेस में एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। वहीं नेचुरल गैस में काफी मेन अगर ये रशिया एंड जर्मनी के बिटवीन डील नहीं हुई तो यूरोप पूरा रीजन एनर्जी क्राइसिस फेस कर सकता है, तो आई थिंक आज क्रूड थोड़ा पॉजिटिव साइड रिएक्शन में रह सकता है। 6950 का लास्ट क्लोज था, आई थिंक 1% तक गैप अप जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है करीबन 7000 के करीब, आई थिंक फिर भी आप कल के क्लोज के स्टॉप लॉस के साथ 6950 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। अपर साइड मेरा मानना है कि 7150 तक के टारगेट आपको इंट्राडे में ही क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, ये तो बात हुई कच्चे तेल को लेकर, और सोने चांदी में क्या करें आज? जरूर से अगर कच्चा तेल बढ़ा तो आई थिंक इसका जो प्रभाव है नेगेटिव साइड आई थिंक रूपी पे होगा, रूपी थोड़ा वीक हो सकता है। यूएस मार्केट क्लोज है तो इंटरनेशनल क्यूज साइलेंट है, हालांकि कच्चे तेल के प्राइस बढ़ते हैं तो इनकेस ये एक इकोनॉमिक एज वेल एज इन इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा, इकोनॉमिक क्राइसिस के और इंडिकेशन दे रहा है, तो आई थिंक एज अ सेल्फ हेवन डिमांड गोल्ड में बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो आज गोल्ड में थोड़ा बहुत नीचे यहाँ से मिल जाता है अराउंड 50,200, तो बाइंग का मौका रहेगा। 50,680 का रहेगा एंड 49,980 का स्टॉप लॉस लगा के गोल्ड में बाई की स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए। सिल्वर थोड़ा बहुत वोलेटाइल रह सकता है क्योंकि मेटल साइलेंट है, तो थोड़ा बहुत वहां पे एक टेपिड मोमेंटम हो सकता है, हालांकि अगर डिप मिलता है 50,800 के करीब तो मेरे हिसाब से 52,480 के स्टॉप लॉस है, 53,780 के टारगेट आपको एक से दो ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। ठीक है, तो ये है सोने चांदी पे रणनीति भी आपको बता दी गई है, चांदी थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है। रवि, इसके अलावा बेस मेटल में भी रणनीति शेयर करिए, वहां पर आप कहां मौके देख रहे हैं? थोड़ा मोमेंटम मिक्स रहेगा बेस मेटल्स में क्योंकि इंटरनेशनल पर्टिकुलर जो क्यूज है वो आज थोड़े साइलेंट रहेंगे मेटल्स के लिए क्योंकि कोई अहम डेटा मैन्युफैक्चरिंग हो या साथ में यूएस भी क्लोज है तो सेकंड सेशन काफी ड्राई रहेगा, तो मेरे हिसाब से दोनों साइड साथ ले करना चाहिए। जिसमें कॉपर में काफी वीकनेस है वहां पे 636 पे मेरी सेलिंग की सलाह, 620 के टारगेट के लिए 642 का एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाए, और सामने मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम 200 का सपोर्ट अहम है, उसको नीचे की साइड ब्रेक नहीं कर रहा है वहां पे एक बाइंग के मौके है, 20 एल्यूमिनियम को बाय करे, 199 का स्टॉप लॉस, 206 तक के लिमिटेड टारगेट वहां पे देखने को मिल सकते हैं, तो कॉपर में बिकवाली करें, वहीं बायोन डिप्स का स्ट्रेटेजी एल्यूमिनियम में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये चलिए कमोडिटी मार्केट में आज आपको रणनीति सुझा दी गई है। रवि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये स्ट्रैटेजीज भी सुझाने के लिए। तो ध्यान रखिए, आज यूएस के बाजार तो बंद है, लेबर डे के मौके पर हमने शुरुआत में भी आपको बताया, तो वहाँ से क्यूज जो है वो तो नहीं मिलेंगे, इसलिए एक ज़्यादा असर कमोडिटी मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, हल्का इम्पैक्ट ही आएगा, बट अब आगे देखना होगा, इवेंट्स भी काफ़ी सारे लाइनअप है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहता है इस पर हमारी नज़र रहेगी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी खबरों का रुख